पॉलिटेक्निक क्लासेस, मैं हूँ गुफराना। फ्रेंड्स, आज की जो क्लासेस में पढ़ने वाले हैं एब्रीविएशन के बारे में, तो फ्रेंड इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें मैंने कवर करा दिया है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स को। तो आपने अगर अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर के आप उस क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड देखिए, एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एब्रीविएशन आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं एब्रीविएशन, फ्रेंड एग्जाम में अब पूछ लिया जाता है एब्रीविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आप इसमें देख लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए ABC को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो शॉर्ट फॉर्म है ABC, लेकिन हम इसको किस तरीके से लिखते हैं वो है द अल्फ़ाबेट। तो अगर कहीं अल्फ़ाबेट्स लिखना है तो आप इसको नॉर्मल ABC लिखकर भी लिख सकते हैं। जैसे हम देखो डॉक्टर के हम यूज़ करते हैं D और R, तो उसका मतलब होता है डॉक्टर। तो वही एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख देना एब्रीविएशन कहलाता है। तो AC का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर एंटी क्रिस्टम, मतलब बिफोर क्रिस्ट के लिए यूज़ करा गया है। AM की फुल फॉर्म होती है एंटी मेरिडियन, मतलब बिफोर नून, मतलब नून से पहले का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं हम एंटी मेरिडियन। ASST इसकी फुल फॉर्म होती है असिस्टेंस। A/C तो इसका मतलब होता है अकाउंट। आपने देखा होगा यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स जहाँ लिखे होते हैं वहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया जाता है, इसका मतलब होता है अकाउंट। AD का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। AIIM ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हम रिप्रेजेंट करते हैं AIIM से। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए BA की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आर्ट्स। B.C. का मतलब बिफोर क्रिस्ट। BBC का मतलब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। फिर है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक की फुल फॉर्म है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये होती है बेसिक की फुल फॉर्म। BSc उसमें ब्रैकेट में है इंजीनियरिंग, मतलब बैचलर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो BSc की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ साइंस एंड B4 होता है बैचलर और SC फॉर है साइंस। तो बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग। देखिए BE का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और BTech का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं BTech, BE को बोलते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। CID की फुल फॉर्म होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। C. या फिर इन और एक पहले डैश और C करके है तो उसको लिखते हैं कमांडर इन चीफ। CEO रिप्रेजेंट करता है कंपनी को। C/O इसको मतलब होता है केयर ऑफ। CNB को हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉट एंड बॉल्ड बाय। CAPT कैप्टन। COP. मतलब होता है कॉन्स्टेबल। तो फ्रेंड्स की जो फुल फॉर्म होती है COP, इसकी होती है कॉन्स्टेबल। CA रिप्रेजेंट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो CA हम लिख सकते हैं और उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। C.J. मतलब चीफ जस्टिस। C.E. मतलब होता है सिविल इंजीनियर। DPS मतलब मीन्स है इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो है डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ। DC डायरेक्ट करंट। डेप्ट DEPTT डिपार्टमेंट। और DLO डेड लेटर ऑफिस। DOZ.com रिप्रेजेंट करते हैं डजन। आपने अगर कभी कुछ परचेज करना है आपने देखा होगा क्वेश्चन वगैरह में DOZ करके लिख देते हैं डजन को। DR रिप्रेजेंट करता है डेबिट और डॉक्टर दोनों को, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं? पूरा डॉक्टर नहीं लिखते, हम सिर्फ इतने शॉर्ट में लिख देते हैं एब्रीविएशन में। DR. का है डेबिट और डॉक्टर। DSD.SC मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस। DCE डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। DEE डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। DMA डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। EG फॉर एग्जांपल, एग्जांपल को हम कैसे लिखते हैं? EG से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ETC का मतलब होता है एटसेट्रा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ER। ER रिप्रेजेंट इंजीनियर, तो इंजीनियर को शॉर्ट फॉर्म हम ER करके लिख देते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FOR फ्री ऑन रेल। GPO जनरल पोस्ट ऑफिस। HON. मतलब हॉनररी। HP हॉर्स पावर। HQ हेडक्वार्टर। फ्रेंड हेडक्वार्टर को कहीं शॉर्ट में क्या लिखते हैं? HQ। IA इंडियन आर्मी। IE EDEST दैट इज मतलब, और IA में क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं? IMA। ISC तो पढ़ा होगा आपने। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडिया स्टैंडर्ड जो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं IST से। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप पढ़ लेना अच्छे से, इसको लर्न कर लीजिएगा ISRO की फुल फॉर्म। ICAR ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल क्रॉप एग्रीकल्चर रिसर्च। ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ISI रिप्रेजेंट करता है इंडियन स्टैंडर्ड
इंस्टीट्यूशन को, ICRISAT, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इन समर एंड ट्रॉपिकल क्रॉप्स, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ISO इंडियन साइंस ऑर्गेनाइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चेंट, इंटरकॉम इंटर कम्युनिकेशन, IBM, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो IIT क्या रिप्रेजेंट करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, JN फ्रेंड रिप्रेजेंट करता है जंक्शन को, JR जूनियर, और JE जो है वो है जूनियर इंजीनियर, KM किलोमीटर, और KW किलोवाट, LAB डॉट मतलब लेबोरेटरी, कहते हैं लैब की जो फुल फॉर्म लेबोरेटरी की शॉर्ट फॉर्म है लैब, LTD लिमिटेड लाइबिलिटी, LLB बैचलर ऑफ लॉ, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIB डॉट लाइब्रेरी, MAJ डॉट का मतलब है मेजर, मैथ्स की फुल फॉर्म होती है मैथमेटिक्स, MSc की फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ साइंस, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MR फॉर मिस्टर, MPH माइल्स पर आर, MO मनी ऑर्डर। मैक्स को फ्रेंड मैक्सिमम को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, मैक्स मैक्सिमम को हम शॉर्ट में लिख देते हैं मैक्स। देखिए MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। MLC एक बार आप सुनते जाओगे सारे आपको लर्न हो जाएंगे, MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MS रिप्रेजेंट मैन्यूस्क्रिप्ट, MSS मैन्यूस्क्रिप्ट, MCC मैरी लेबॉन क्रिकेट क्लब, MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आपको पता है MD की फुल फॉर्म क्या होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मेमो मेमोरेंडम, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MRS मिस्ट्रेस, NO फ्रेंड देखिए नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NO से भी लिख देते हैं हाउस नंबर को, NO शॉर्ट में लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है नंबर, NP न्यू पैराग्राफ, NR नॉर्थन रेलवे, NBC नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन USA, NB नोबेल, NCC नेशनल कैडेट क्रॉप्स, NP नया पैसा, NY न्यूयॉर्क, ओके का मतलब होता है ऑल करेक्ट, ठीक है ऑल करेक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं ओके। PTO प्लीज टर्न ओवर लीव, PM प्राइम मिनिस्टर, PG पेइंग गेस्ट मतलब एक ऐसा जहाँ पे हम क्या करते हैं गेस्ट तो हैं लेकिन पे करते हैं, प्रोफ PROF डॉट प्रोफेसर, POW प्रिजनर ऑफ वॉर, P/A पावर ऑफ अटॉर्नी, PC पोस्ट कार्ड या फिर परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, PMG रिप्रेजेंट करता है पोस्ट मास्टर जनरल को, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PM पोस्ट मेरिडियन और प्राइम मिनिस्टर, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PO पोस्ट ऑफिस और पोस्टल ऑर्डर, REF डॉट रेफरेंस, क्या आप देख रहे हो कि रेफरेंस कहीं हम पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में तो वहाँ लिखा होता है REF मतलब रेफरेंस किसके रेफरेंस से लिया गया है कंटेंट, RECD रिसीव्ड, REV डॉट का मतलब रिवर्ड, रिले का मतलब होता है रेलवे RLY रेलवे, REG रजिस्टर्ड, REP, RSVP मतलब रिप्लाई इफ़ यू प्लीज, SUPDT डॉट का मतलब होता है सुपरिंटेंडेंट। नेक्स्ट है SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड देखिए SSC को की फुल फॉर्म होती है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और SR है सीनियर, SEC डॉट का मतलब होता है सेक्रेटरी, STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, TA ट्रैवलिंग अलाउंस और टेरिटोरियल आर्मी, TV टेलीविज़न, TB ट्यूबरक्लोसिस, टेलकॉम टेली कम्युनिकेशन, टेक डॉट टेक्निकल, TPO ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस, TU ट्रेड यूनियन, US यूनाइटेड स्टेट, UK यूनाइटेड किंगडम, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। UNO क्या रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, तो UNA रिप्रेजेंट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, फिर यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। UN यूनाइटेड नेशन तो याद रहेगा, UN से ई फॉर है यहाँ पर एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंस, सी फॉर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UP मतलब उत्तर प्रदेश, VC वाइस चांसलर, VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, VP वाइस प्रेसिडेंट, VOL डॉट वॉल्यूम, WEF विद इफेक्ट फॉर्म
फ्रॉम, और डब्ल्यू के डॉट का है वीक, और एक्समस को बोलते हैं हम क्रिसमस। ठीक है, देखिए नीचे जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं आपके लिए एब्रिविएशन में फुल फॉर्म। तो एड्स की क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एशियन की होती है एसोसिएशन, एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एशियन की ASEAN है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, और AD एनो डोमिनी AIIM है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और भेल तो पता ही आपको, भेल क्या है, भेल की फुल फॉर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेसिक की अभी पहले भी पढ़ी थी, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड CDM है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटिंग सिक्योरिटी लिमिटेड, CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फूड कॉरपोरेशन, CDRI सेंट्रल डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, DME है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और FM फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FERA फेरा होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट देखिए GMAT, GMAT होता है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, GMAT की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, ISBN होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, IBRD होता है इंडियन ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसरो, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लर्न कर लीजिए इसरो की फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IDBI इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, NIFT नेफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NREGA नरेगा होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फ्रेंड्स में क्या होता है, जो रूरल में जितने भी मतलब होते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उनको कुछ काम दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। नाटो पता है आपको, नाटो तो आजकल बहुत अभी न्यूज़ में था कि अभी जो वॉर जो हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसमें तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NCERT की फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, PMLA पारिवारिक महिला लोक अदालत, और RTI होती है राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट RTI का राइट टू इन्फॉर्मेशन, TRAI टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SEBI होती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यूनेस्को। फ्रेंड्स अभी यूनेस्को हम पहले भी पढ़ा था, मैंने बताया था UN तो आपको याद रहेगा ही, यूनाइटेड नेशन E फॉर है यहाँ पर एजुकेशन, और S फॉर है साइंस, C फॉर है कल्चर, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन WEF है विद इफेक्ट फ्रॉम। तो फ्रेंड्स आज के जो बहुत काफ़ी सारे एब्रिविएशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लीज़ इसको एंड तक मतलब अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए।